मंडोली कांड में शिकार हुई प्रमिला के बेटे शुभम से मुलाकात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने मंडोली कांड को सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। कानपुर देहात में 13 फरवरी को मंडोली गांव में झोपड़ी के अंदर जिंदा जलकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। गुरुवार की शाम किसान नेता राकेश टिकैत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मंडोली गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर कहा कि मंडोली गांव की घटना सरकार की नीतियों का परिणाम है। कोई जमीन का मामला बता रहे और पीड़ित पक्ष से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा यहाँ रहते थे, पिताजी रहते थे और हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। और गांव में बहुत ज़मीन ये है कि वो बेनामे की ज़मीन नहीं होती। गांव में आपस में भी ज़मीन अगर लेन देन करते हैं तो उसका कोई बेनामा नहीं होता। वो कब्जे पे ही है, उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी और वो सबको पता रहता है। अगर इसने ये ज़मीन पे रह भी लिए, कोई घेर भी ली, तो कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं होगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे इस पर। और आज़ादी से पहले तो सारी ज़मीन सब ये सरकारों की थी और यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं।